इस बीच बाजार 170 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर मजबूती 50 अंकों की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे दर्शक अपने सवाल लेकर तैयार हैं। आखिरी सौदा करने के पहले वो जानना चाहते हैं पोजीशन बनाए रखें, काटे, मुनाफा वसूली करें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, टारगेट क्या हो, और इन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद समीत चव्हाण और राहुल शाह। आप भी बने रहिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। बाजारों पर हमारे दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास अच्छी खासी पोजीशंस हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन पोजीशंस में क्या किया जाए। पहले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, शबनम, पूछिए अपना सवाल। शबनम, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ सर, मेरे पास टाइटन के मैंने दो लॉट शॉर्ट किए हैं। ओके, द रेट ऑफ 552 के 352 के एवरेज से, तो अभी तो उल्टा ही चल रहा है काउंटर आपके। उसमें मैंने देखा था जब टाइटन का रिजल्ट आया था खराब, तो शॉर्ट करने की सलाह दी गई थी। ठीक बात है, तो मैंने उसको शॉर्ट किया था सर। उसके बाद से फिर अभी तक वही नहीं हुआ, तो उसको एवरेज करने के लिए और एक लॉट शॉर्ट किया, तो उसकी अभी एवरेज हो गई 352 की। 352 के एवरेज में आपके दो लॉट शॉर्ट है ना? जी ठीक है, चलिए पूछते हैं। हमारे साथ राहुल है और राहुल बताएंगे वायदा कारोबार की रणनीति एकदम परफेक्ट। राहुल, 352 में शॉर्ट है, शबनम जी अभी नुकसान में है, दो लॉट है, 370 का भाव है, ये बताएं कि क्या इन्हें मौका मिल सकता है नीचे में कवर करने का या फिर नुकसान बुक करना ठीक रहेगा? आई थिंक जिस तरह से टाइटन की मूवमेंट है और जिस तरह से उसमें फ्यूचर्स में जो कारोबार में अभी जो चल रहा है, मेरे ख्याल से रिजल्ट के बाद ही ये स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम गेन हुआ है, लॉन्ग्स वहाँ से बिल्ड हुए और कंटिन्यूसली स्टॉक अपमूव में रहा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक 380 का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लेवल पे, वहाँ पे एक बार मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 380 का आप स्टॉप लॉस अगर वो क्रॉस किया जाता है तो मेरे ख्याल से और आगे जा सकता है। तो अपने इतना रुके तो 800 रुपये के लिए और रुक जाइए, 380 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वहाँ पे एक बार पोजिशन काट देने की मेरी सलाह रहेगी। 380 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए और उन लेवल्स पर अगर शेयर आता है तो आपको फिर वो शॉर्ट पोजीशन काटनी होगी। बॉश का शेयर आज सुबह में काफी पिटा था क्योंकि यहाँ पर खबरें थी कि जो वोक्स वैगन पर आरोप लगाए गए थे या फिर अब जो वो आरोप सिद्ध हो गए हैं कि इन्होंने अपने डीजल इंजन्स में खराब नॉर्म्स या फिर नॉर्म्स पर कंप्लाई नहीं किया था, तो बॉश एक पार्टनर है वोक्स वैगन का, लेकिन वोक्स वैगन ने अब ये साफ संकेत दिए हैं कि यूएस में वोक्स वैगन को इंजन के कोई पुर्जे इन्होंने सप्लाई नहीं किए हैं। स्टॉक काफी पिटा था कि शायद इन पर भी किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमारा यूएस के वोक्स वैगन प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, जांच से कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी तरह के स्पेयर पार्ट्स वोक्स वैगन यूएस में सप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो स्टॉक अब रिकवर होता हुआ इनफैक्ट आधा परसेंट ऊपर आ गया है। ये आधा परसेंट से इसकी सही तस्वीर नहीं दिख रही है। देखिए फ्यूचर्स का मैं चार्ट खोल रहा था, आज का लो क्या है 18,500 और हाई है 19,400, 900 रुपये ये है रिकवरी निचले स्तरों से, 900 रुपये सुधरा है ये स्टॉक, तो इससे अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी रिकवरी आई। चलिए ये तो बॉश की बात हुई, आगे बढ़ते लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब मौका है आपका हमसे बात करने का और ये जानने का कि आखिरी सौदे से पहले आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से ट्रेड पर ज्यादा जोर दें। दिनेश कुमार हमारे साथ सोनीपत से जुड़ रहे हैं। दिनेश नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मैम, बताइए सर कहाँ निवेश करने का इरादा है? मैम मेरे पास सीपैकेट वैगन के 1000 शेयर है, 90 रुपए ठीक है, तो 32 रुपए का मुनाफा है, क्या आप निकलने की सोच रहे हैं आप? नहीं मैम, मैं तो इसमें और ऐड करने के सोच रहा हूँ, मेरे को पता भी आगे जाके ये मल्टी बैगर होगा, मैं इसमें सोच रहा हूँ और ले लूँ। चलिए और निवेश का इरादा है, 122 पर है ये शेयर, बताइए यहाँ पर टेक्निकली स्थिति क्या दिख रही है?
समित देखिए टेक्निकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो काफी पॉजिटिव है। कल ही ये स्टॉक ने इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 115-116 वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो ये आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में ये स्टॉक में अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर इनको बाय करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। लास्ट चार दिनों में ये स्टॉक नियरली 15% का उसने एप्रिसिएशन दिया है, तो एक माइनर डिप के लिए वेट कीजिए अराउंड 118-115 ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो वहां पे ये ऐड कर सकते हैं। ठीक बात है दिनेश जी। देखिए रेलवे स्टॉक्स में बहुत तेजी है, बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं और अभी हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस भी किए रेलवे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पूरे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली रेल बजट के पहले ये स्टॉक तो चलते हैं, वो हर साल ही चलते हैं, लेकिन इस बार तो बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़ा काम हो रहा है, तो शायद ज्यादा संभावना है कि ये स्टॉक अच्छा ट्रेड करें। तो आप जो और खरीदारी करने के बारे में विचार करें एकदम सही है, कर लीजिए। चलिए अब वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का, समित चव्हाण और राहुल शाह आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए और राय देने के लिए शेयरों पर। ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे TRAI के चेयरमैन साहब से, जानेंगे कि टेलीकॉम कंपनियों की इस वक्त जो कुछ भी मुद्दे हैं इस पूरे सेक्टर से जुड़े हुए कॉल ड्रॉप्स और बाकी सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।